भी कह रहा है। हंसी का भी कह रहा है क्या है, कुछ आपको चुटकुले ले लेंगे। हिंदी में हम क्या कहते हैं, चुटकुले, जैसे कि हम कहते हैं जोक्स। आप सबको यह तो अच्छा लगता है, तो आपको पाठ छ हंसी का भी कह रहा है यह चुटकुले बने, कुछ चुटकुले दिए गए हैं, वो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर उसके प्रश्न और उत्तर करने हैं। तो हम पहले बुक में देखते हैं। छठा, हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो हम चुटकुले देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, बाजू में उसके वाक्य है। तो हम शुरू करते हैं पहले से। बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अब आप यह चित्र में देख रहे हैं, यह उसकी माँ है और वो उसका बेटा है। तो यहाँ पे कुछ गेहूं सूख रहे हैं, तो उसकी माँ क्या कहती है उसके बेटे को कि यहाँ पे गेहूं सूख रहे हैं, कहीं गाय आकर खा न जाए, तुम ध्यान रखना। बेटे को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बिठाती है। तो हम उसके आगे में चित्र देखते हैं। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह गधा है जो गेहूं खा रहा है, तो उसकी माँ बेटे को क्या कहती है कि यह गधा गेहूं खा रहा है तो तुम उसे हटाते क्यों नहीं हो, प्रश्न पूछती है। उसके आगे हम तीसरा चित्र देखते हैं। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। तो उसका बेटा क्या कहता है, उसकी माँ को कहता है कि आपने तो कहा था कि गाय आए तो उसे भगाना, यह तो गधा है और गधा गेहूं खा रहा है, इसलिए बच्चे ने गधे को नहीं भगाया। दूसरा है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। तो दूसरा दोस्त क्या कहता है कि जो मिठाई नहीं खाता उसे हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। पर यहाँ पे दोनों हिंदी व्याकरण की तैयारियां कर रहे थे, तो हिंदी व्याकरण के हिसाब से दीपक मिठाई नहीं खाता, उसमें दीपक क्या हुआ, कर्ता होता है। जैसे कि व्याकरण में नाम, सर्वनाम, क्रियापद, कर्ता, ऐसे आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं और वो हमें वाक्य में से ढूंढना होता है। तो हिंदी व्याकरण में दीपक क्या होता है, कर्ता होता है। पर दूसरा दोस्त क्या सोचता है कि जो मिठाई नहीं खाता उसे हम मूर्ख कहते हैं। अब तीसरा है, मालिक ने कहा नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। जैसे कि मालिक होता है वो नौकर को कई बार ऐसा कहता है कि तू कोई भी काम करता है तो पहले मुझसे पूछ लिया कर, फिर काम करना। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई कि बिल्ली दूध पीती होगी रसोई घर में, तो उसे भगाना ही चाहिए ना। तो नौकर क्या करता है, पहले मालिक को बताने जाता कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। अब है चौथा, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा। जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। हवे एक आदमी है, वो दुकान जाता है और दुकानदार को कहता है कि मुझे कुत्ते का बिस्किट चाहिए। तो दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे। तो यह क्या हुआ, कुत्ता थोड़ी ना साथ आया था, कुत्ता तो घर पे था, तो बिस्किट भी घर पर ही ले जाना पड़ता है ना। पांचवा, रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहां जा रहे हो। तो श्यामू क्या कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू क्या कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि रामू ने श्यामू को गधा बताया। यहाँ पे आपका पाठ छठवां हंसी का पिटारा पूरा होता है। अब हम स्वाध्याय पोथी में देखते हैं। छठा, हंसी का पिटारा। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको उसके उत्तर लिखने। जैसे ही हमने आगे बुक में जैसे चुटकुले समझे उसी के हिसाब से आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला। उत्तर, बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था।
दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। तीसरा, सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक करता है। चौथा, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। पांचवा, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। अब उसके आगे है, पढ़िए और मजा उठाइए। यहाँ पे कुछ और चुटकुले दिए गए हैं। हम शुरू करते हैं पहले से। मालकिन ने कहा, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। रामू क्या कहता है, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए हुए थे। मालकिन उसे धूप यानी कि हम जो पूजा करते हैं वो धूप अगरबत्ती जैसा होता है ना, वो लाने के लिए कहती है। पर रामू क्या कहता है कि मगर लाता कहाँ से, आज तो दिन भर बादल ही नहीं आए। दूसरा, अरविंद ने कहा, अक्कल बड़ी या भैंस? वर्षा कहती है, भैया पहले दोनों की जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा ना कौन बड़ा है। तीसरा, अमित ने कहा, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित ने कहा, निकलता तो है। तो अमित कहता है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित कहता है, अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा। चौथा, पिता कहता है, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा इसलिए कि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। कुंभकर्ण यानी कि कुंभकर्ण रावण का भाई था। वह सिर्फ भूख लगने पर ही नींद से उठता था और ढेर सारा भोजन कर के फिर सो जाता था, इसलिए सोने वाले लोग कहा गया है। यहाँ पे छठवां, हंसी का पिटारा यानी कि चुटकुले, स्वाधी पोथी के सभी प्रश्न और उत्तर पूरे होते हैं।